नहीं लगी, बुखार आ गया। फिर दूसरे दिन वो बुखार जब हमारे मम्मी पापा पहले डॉक्टर के पास कि हम वही जाए मेडिकल की दुकान पे पूछा दवाई लिया, हो सकता है कि बुखार उतर भी जाए। बुखार उतर गया लेकिन फिर बुखार फिर आ गया। इस तरीके से जब 4-5 दिन होते चले जाते हैं उनका बहन की, तो क्या होता है कि इंसान को कमजोरी आ जाती है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि पहले किसी एक को बुखार था, जहाँ गया उसको दूसरे बच्चे को भी बुखार हो गया, या मम्मी को बुखार हो गया या पापा को किसी को बुखार हो गया। तो आखिर ऐसे कैसे कि एक को बुखार हुआ दूसरे को नहीं हो गया? तो ये ऐसा बुखार है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, एक लोगों से दूसरे लोगों में। जैसे स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, हम अक्सर जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो बुखार हो तो थोड़ा अलग बैठे। इसमें ऐसा नहीं कि उस बच्चे से कोई घृणा है या कोई बात है, क्योंकि बुखार ऐसे अब आने लगे हैं, पहले भी चलते हैं कि एक व्यक्ति को है दूसरे को हो जाए, तुरंत ही बुखार हो जाए। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं संक्रामक रोग या संचारी रोग। कौन से रोग? जैसे कौन कौन से मतलब ये जो बीमारियां एक दूसरे से होती है। जैसे घर में किसी बच्चे को पीलिया हो जाता है, डॉक्टर बताते हैं इसको पीलिया हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो बच्चे से पहले दूर नहीं रहे, उनको लगता है कि पीलिया तो बीमारी नहीं है, लेकिन नहीं, उसको है। उसके अलग कपड़े धोना है, अलग उसको रखना है। मान लिया किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको अलग रखना है। तो इन सब बातों की आज यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है। अपना है पानी डालेंगे उससे तो। लेकिन
पानी बदलना जरूरी है, अगर नहीं बदला गया तो क्या होगा, दुर्घटना बनती है। तो इसलिए पानी कभी भी रुके ना, जैसे छतर वगैरह में क्या देखते हैं, टायर ट्यूब वगैरह डाल देते हैं छप्पर वगैरह में लोग, तो वो टायर ट्यूब मतलब हम यहाँ पे साफ सुथरा बैठे हैं अपनी जगह पे और यहाँ पड़ोस में हमारे गंदगी भरी है तो हम कैसे स्वस्थ रह पाए, यानी हमने अपने घर पे झाड़ू लगा दी और बाहर जाके पूरा फेंक दिया दरवाजे में, और गाय आई या बकरी आई उसने जल्दी फाड़ दी भाई कुछ ना कुछ खाने की चीज है और कूड़ा चारों तरफ फैल गया। तो ऐसा हमें नजर ध्यान दो तुम, हमें कूड़े को डस्टबिन नहीं डालना है, अगर डस्टबिन नहीं है तो में रखो, कूड़े वाला आएगा उसमें डाल के फेंको। ये नहीं करना है कि हमें जो है अपने घर तो साफ किया, बाहर को हमें गंदा